भाई कि आपने भी भाई खरीदा प्रीबिल्ड पीसी, आप भाई खरीदने की सोच रहे हो तो भाई अभी ये वीडियो देख के जाना पूरे एंड तक। एंड भाई सभी कुछ बात करने वाले हैं कि भाई प्रीबिल्ड पीसी अगर आप खरीदते हो तो भाई वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा या भाई आपको पार्ट्स लेके अलग से अपने लिए खुद के लिए पीसी भाई अपना बिल्ड करना चाहिए। तो भाई सभी कुछ बात करेंगे एंड भाई प्रीबिल्ड पीसीज होते क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए बात कर लेते हैं। सो भाई जिनको भाई ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई पीसी के बारे में एंड भाई उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई एक पीसी होता है एंड उसमें एडिटिंग गेमिंग आराम से हम कर लें, ऐसा हमें एक पीसी चाहिए। तो भाई ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई प्रीबिल्ड पीसी ले लेते हैं जिनमें भाई आपको अलग से कोई भी चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जाते हो या तो अमेजोन पे जाते हो या फ्लिपकार्ट पे या ऑफलाइन मार्केट में जाते हो, सो भाई दुकानदार से कहते हो कि भाई एक ऐसा पीसी दिखा दो जिसमें भाई मैं गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों चीजें कर सकूं एंड भाई वो आपको क्या करता है पीसी उठा करके दे देता है एंड भाई आपसे वो पैसे ले लेते हैं, जितने के कंपोनेंट नहीं लगे होते हैं आपसे उससे ज्यादा के पैसे जो है ले लिए जाते हैं। तो भाई ऐसे ही सेम होता है अमेजोन में। अमेजोन पे आपको देख सकते हो आप लोग बहुत सारे जो आपके पीसी है वो आपको भाई प्रीबिल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड भाई आप क्या करते हो इन्हीं में से एक बाय कर लेते हो एंड भाई उसके बाद में आपको पता चलता है कि भाई कैसी जो है परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे रहा है एंड भाई इसमें तो हमें घाटा हो गया। सो भाई यहाँ पे आज पूरा देखने वाले हैं भाई, पूरी सच्चाई यहाँ पे निकालेंगे एंड देखेंगे कि भाई इसमें कंपोनेंट क्या क्या यूज किए जाते हैं एंड भाई क्या वो कंपोनेंट जो है इतने प्राइस में जितने में वो लोग दे रहे हैं उतने में क्या वो कंपोनेंट्स लेना वर्थ इट है। तो भाई यार जो जो चैनल बनाया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए भाई चलते हैं फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड देखते हैं भाई किस तरीके के हमें जो है पीसी यहाँ पर भाई देखने को मिल जाते हैं। सो भाई यहाँ पर आ गए हम अपने अमेजोन में एंड भाई देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से जो है हमें बहुत सारे जो है यहाँ पर भाई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं भाई प्रीबिल्ड पीसीज के। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 50,000, 30,000, 25,000, 14,000 और 9,000। तो भाई मैंने यहाँ पे दो तीन पीसी निकाल रखे हुए हैं एंड भाई देखते हैं कि भाई वो लेना वर्थ इट है या नहीं है, इसमें किस तरीके से आपका काटा जाता है अच्छे से। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं भाई सबसे जो सस्ता मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 14,800 का हमें ये पीसी देखने मिलता है। अब भाई यहाँ पर आप जैसे ही इस पीसी को खोलोगे तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं जो लोग भाई पीसी की नॉलेज नहीं रखते हैं सो भाई आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं भाई कैबिनेट देख के भाई यहाँ पर पीसी जो है अपना सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई कैबिनेट बढ़िया लग रही है, यहाँ पर दो दो फैन है, यहाँ पर जलने वाले RGB फैंस हैं, यहाँ पर भाई PSU बढ़िया दिख रही है, यहाँ पर RTX यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड बढ़िया दिख रहा है, इतना ही देख के भाई वो लोग ले लेते हैं एंड भाई उसके बाद में जब उनके घर पे पहुंचता है चीज तो भाई वो अलग चीज होती है। सो भाई अभी देखते हैं जो जो आपको इस प्राइस के साथ जो चीजें मिल रही हैं अंदर वो भाई वर्थ इट है कि आप इसमें एडिटिंग और गेमिंग कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग की 14,800 का जो है यहाँ पर हमें भाई ये पीसी देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पर इन्होंने लिख दिया भाई i5 प्रोसेसर, ठीक है i5 लिख दिया, अब कौन सी जनरेशन का ये नहीं लिखा, अभी भाई डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा मुझे पता है, लेकिन भाई जिसको पीसी खरीदना है उसको नॉलेज ही नहीं है जब इस बारे में कि भाई क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो भाई उसको तो बस यही पता है बस ठीक है भाई i5 किसी ने बता दिया भाई प्रोसेसर बढ़िया होता है i5 ले लेना एंड उसके बाद भाई रैम की नॉलेज तो हर कोई रखता है आजकल, 8GB रैम लिख दिया। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें i5 का सेकंड जनरेशन प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। तो इसमें भाई अगर हम सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर लेने जाएं तो वो आपको मार्केट में अराउंड 1000 का आराम से देखने को मिल जाएगा भाई, यहाँ पे H61 मदरबोर्ड जो कि भाई आपको 1500 रुपये में आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एंड DDR3 की 750-800 रुपए की आपको रैम देखने को मिल जाएगी। अब इसमें कौन सी मैं तो कंपनी की बता रहा हूँ, इसमें पता नहीं कौन सी यूज़ की गई है वो नहीं पता, लेकिन आपको 600-700 में आराम से 8GB की रैम देखने को मिल जाएगी। एंड भाई यहाँ पर जो ये PC बन के तैयार हुआ है, ठीक है, इससे अच्छा PC मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी आई बटन पे, वहाँ मैंने 10,000 रुपए में बना के आपको दिखाया। तो भाई आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको PC बाय करना है। एंड भाई यहाँ पर देख सकते हो HD ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, इसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं लगाया बल्कि हमने जो पीसी बिल्ड किया उसमें भाई ग्राफिक्स कार्ड भी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई किस तरीके से कितना मतलब कितना लूटा जाता है भाई यहाँ पर, ना तो ग्राफिक्स कार्ड दे रहे हैं ना भाई रैम लिखी है यहाँ पर भाई कौन सी ब्रांड की है कैसा क्या है कुछ नहीं लिखा है, बस यहाँ पर रैम लिख दी है एंड भाई यहाँ पर प्रोसेसर मतलब मुश्किल से ये PC 7,000 रुपये या 6,000, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये में पूरा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं जाने वाला। एंड भाई ये बेच कितने का रहे हैं, 14,800 रुपए का, यानी कि 15,000 पकड़ के चल लो, तो भाई 15,000 का बेच रहे हैं इनको, सीधा सीधा भाई 7-8 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। सो भाई एक और देख लेते हैं यहाँ पे चिस्ट कंपनी का कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं i7 भाई, यहाँ पर i7 का सेकंड जनरेशन भी यूज़ नहीं किया उनने। अगर कोई i7 ले रहा है भाई इतने रुपए मतलब डाल रहा है तो उस हिसाब से उसको परफॉर्मेंस भी तो चाहिए। तो यहाँ पर भाई i7 जो मतलब वो सोच रहा होगा परफॉर्मेंस की वो भाई यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। एंड भाई यहाँ पर आपको 16GB रैम का यहाँ पे भाई झांसा दे दिया जाता है, ठीक है, एंड भाई यहाँ पर सुंदर सी यहाँ पे जलने वाली कैबिनेट भाई, उसमें आप लोग मस्त खुश हो जाते हो, ठीक है भाई कि बढ़िया PC मिल रहा है एक नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हो 16GB रैम आराम से आपको
1400 रुपए के अंडर में आराम से देखने को मिल जाएगी 288 GB की स्टिक, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई जो ग्राफिक्स कार्ड है भाई वो किया गया GT 730 4GB, जो कि भाई आपको 3000-3500 रुपए का देखने को मिल जाएगा। एंड भाई यहाँ पे 512 GB की भाई SSD, जो कि भाई आपको आराम से वो भी 1500-1600 की आराम से देखने को मिल जाएगी। एंड भाई यहाँ पे गेमिंग कैबिनेट जो कि भाई आपको अगेन यहाँ पे 2000-2500 रुपए की मिल जाएगी देखने को। और वाईफाई मदरबोर्ड वाला वाईफाई नहीं है, ये मदरबोर्ड वाला नहीं है, ये है आपका रिसीवर जो कि आपको एक पेन ड्राइव टाइप का दे दिया जाएगा। एंड भाई वो आराम से मार्केट में 150 रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे मुश्किल से आपका पीसी 15000 रुपए में या उससे भी कम में रेडी हो जाएगा, और जो कि आपको यहाँ पर पीसी बेचा कितने में जा रहा है, 24000 में। तो भाई यहाँ पे एक और देख लेते हैं राइजन का। एंड भाई यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगेन कैबिनेट का यहाँ पे झांसा, एंड ठीक है कैबिनेट भी इतनी खास नहीं लग रही है, ठीक ठाक है मतलब। एंड भाई यहाँ पर राइजन 5 5600G प्रोसेसर बढ़िया है, लेकिन भाई जो प्राइस में भाई ये दे रहे हैं क्या उतने में वर्थ इट है, बिल्कुल नहीं भाई। इतने में भाई प्रोसेसर 11000 का मान के चलो, ठीक है। सो भाई 11-1200 की यहाँ पर रैम ले लो, 8GB की DDR4 एंड 120GB की SSD, भाई क्या डालेगा भाई बंदा 120GB की SSD में, 8-900 की देखने को मिल जाती है आराम से 120GB की SSD। एंड भाई रेडियन का AMD रेडियन ग्राफिक्स, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, ठीक है, आपको कहीं से अलग से मतलब एक्सटर्नल ग्राफिक्स नहीं देखने मिलते, ना कि आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने मिलता है, आपको सिर्फ इसका जो APU है वही आपको देखने मिलता है, इसके जो बेगा ग्राफिक्स हैं वही देखने को मिलते हैं, वही आपका सब कुछ काम कराएंगे इसमें। एंड भाई यहाँ पर आपको 35000 रुपए का बेचा जा रहा है, यहाँ पे 35000 रुपए में आप GPU भी यूज़ कर सकते हो इसमें, अच्छी खासी कंपनी की रैम मदरबोर्ड प्रोसेसर सब कुछ अच्छा यूज कर सकते हो, और भाई विथ 500GB के SSD के साथ में, और आप HDD भी लगा सकते। तो भाई इसी तरीके से जो है भाई आपको उल्लू बनाया जाता है, एंड भाई आपसे अच्छे खासे जो है यहाँ पे पैसे ठग लिए जाते हैं। सो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई हमने सभी कुछ बात कर ली पीसी के बारे में, अब आप खुद ही अपने डिसाइड कर सकते हो भाई आपको कि प्रीबिल्ट पीसीज लेने हैं या भाई आपको खुद से सामान मंगा के या मार्केट से ले आके आपको खुद भाई घर पे पीसी बिल्ड करना है। तो भाई यहाँ पर मैंने भी 2-3 वीडियो बना के रखी हैं, आप भाई उनको भी चेक कर सकते हो आराम से, एंड भाई अपने लिए एक पीसी बिल्ड कर सकते हो। भाई प्रीबिल्ट पीसी के पीछे मत पड़ना, यहाँ पर आपका अच्छा खासा भाई पैसा यहाँ पर ठगा जाता है, एंड भाई आपका स्कैम हो जाता है यहाँ पे। तो भाई आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है भाई बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड भाई अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके, एंड भाई वो भी इस स्कैम में ना फंसें और भाई अपने लिए एक अच्छा पीसी बिल्ड कर पाएं। सो भाई चैनल को अपने कर लेना सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।